तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले बजाज फिनसर लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे बजाज फिनसर का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें बजाज फिनसर के लिए ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल लेवल्स एंड हमें यहाँ पर जो है वो प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें बजाज फिनसर की, तो बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में इस हफ्ते में बजाज फिनसर थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक रहा है, क्योंकि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद बजाज फाइनेंस ने तो चलो एक दिन रैली दिखाई, बट बजाज फिनसर के अंदर कोई मेजर अपमूव नहीं आया। अब ओवरऑल यहाँ पर नेक्स्ट वीक का क्या व्यू बनता है, तो ये काउंटर के अंदर इस हफ्ते में भी हमें सेलिंग ही देखने को मिली है, मार्केट्स भी नेगेटिव है एंड ये काउंटर भी 1700 के एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आके क्लोज हुआ है। तो अगर मान लो नेक्स्ट वीक में बाइंग आई तो बजाज फिनसर यहाँ पर जो मतलब मार्केट में बाइंग आई तो बजाज फिनसर के अंदर यहीं से 1700 के अराउंड से ही रिवर्सल आएगा, एंड अगर मार्केट में क्योंकि डेटा नेगेटिव है तो अगर सेलिंग एज इट इज़ कंटिन्यू रही तो 1700 को ब्रेक करके स्टॉक के अंदर हमें कोई फर्दर सेलिंग भी शायद से देखने को मिल जाए।